अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ऑथेंटिक इंडियन फूड रेसिपीज़ में आपका स्वागत है। आज हम बना रहे हैं रावस फिश फ्राई। हमने रावस फिश में नमक, हल्दी और थोड़ा सा नींबू का रस लगा के रख दिया था। ये तकरीबन आधे घंटे से रखी है और हमने यहाँ पर दूसरे मसालों में जो पीसने वाले मसाले हैं जो इस पर लगेंगे फ्राई करना है हमें, तो ये है हरा धनिया, दो हरी मिर्चें हैं, ये है हरा लहसुन और थोड़ा सा अदरक का टुकड़ा है, और ये हरे लहसुन की पत्तियाँ हैं। अगर आपको हरा लहसुन ना मिले तो आप अपना जो लहसुन रेगुलर है वो यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद में कुछ मसाले जो है इसमें, ये है भुना कूटा ज़ीरा, ये है अजवाइन एक एक चम्मच हमने ली है, ये आधा नींबू का रस है, इसमें हमने एक आधा नींबू का रस पहले मिला दिया है, अब एक आधा नींबू का रस जो है मसालों के साथ में मिलाएंगे। इसके अलावा ये जो पाउडर मसाले हैं इनमें, ये है मिक्स मसाला, ये दो चम्मच डालेंगे, हल्दी पाउडर, हल्दी हमने ऑलरेडी मिलाई है, थोड़ी हल्दी और मिलाएंगे, ये कश्मीरी लाल मिर्च है, ये तीखी वाली लाल मिर्च है, ये धनिया पाउडर है और ये अदरक का पिसा हुआ गरम मसाला है, और ये ज़ीरा है लेकिन हमने यहाँ पर भून के ज़ीरा ले लिया है, और हमारे नमक जो है हम हसब ज़ायका मिलाएंगे क्योंकि हमने इसमें नमक ऑलरेडी मिलाया है, चखेंगे और फिर इसमें और शामिल करेंगे। और फिर जब हम तलेंगे तब हमें बेसन की ज़रूरत होगी, बेसन है या चावल का आटा है या कॉर्नफ्लावर है या आटा, गेहूँ का भी आप यूज़ कर सकते हैं लेकिन बेसन से ज़्यादा टेस्ट आता है, थोड़ी इसकी क्रिस्प होती है, इसलिए हम बेसन यूज़ करेंगे। और तलने के लिए ऑयल की ज़रूरत होगी वह हम बाद में आपको दिखाते हैं। ये मसाले पहले हम ये मसाले पीस लेते हैं। हमने ये मसाला पीस दिया, हरा मसाला, लहसुन, अदरक, कुदमी, हरी मिर्ची। अब यहाँ पर हम इसमें इसे बॉल में निकाल लिया हमने, और ये फिश के हिसाब से हम इसमें मसाला ऐड करेंगे। हल्दी हम कम डालेंगे क्योंकि हमने हल्दी पहले ही डाल दिए हैं, थोड़ा सा धनिया पाउडर एक चम्मच, ये मिक्स मसाला ये हम एक चम्मच से ज़्यादा डालेंगे क्योंकि हरी मिर्ची भी डालिए लेकिन ये मसाले का जायका बहुत अच्छा होता है, थोड़े हम फ्राई में चटपटा मसाला ही अच्छा लगता है। ये हमने तीखी वाली लाल मिर्च ली है, ये भी हम डेढ़ चम्मच के करीब डालेंगे, और ये हमारी जो है कश्मीरी मिर्च है, अदरक के लिए हम डाल रहे हैं, थोड़ा सा गरम मसाला डालेंगे, बिल्कुल गरम मसाले की तो ज़रूरत नहीं होती लेकिन थोड़ा सा डाल देते हैं। ये हमारे मसाले सूखे मसाले हो गए। अब हम इसमें डाल रहे हैं ये धनिया ज़ीरा है जिसे हमने भून के कूट लिया है, और ये अजवाइन है, अजवाइन का टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है फ्राई में, फिश की कोई भी आइटम हो आप ज़रूर डालिएगा। तो ये हम डाल देंगे इसमें आधा नींबू, हमने आपको बताया था पहले, ये हम आधा नींबू का रस भी इसमें शामिल कर देते हैं। नमक चूँकि है उसमें लेकिन हम इसमें मसाले में भी नमक शामिल करेंगे, कम नमक डाला है हमने उसमें, अभी हम इसमें एक चम्मच भर के नमक डाल रहे हैं, उसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। बाजार से फिश लाने के बाद में मसाले बनाने में टाइम होता है, देर होती है, पहले फिश को धो के हल्दी नमक और थोड़ा सा नींबू का रस लगाने से फिश भी ख़राब नहीं होती और फिश का जायका भी बढ़ जाता है, उसमें नमक जज्ब हो जाता है और जो बनाते हैं तो बहुत टेस्टी लगती है। तो इसलिए आप जब भी फिश लेकर आओ, अगर आपके पास वक्त है, मसाला पहले से बना के रखा है तो आप डायरेक्ट मसाला लगा दो, और अगर नहीं तो फिर आप इस तरह से नमक हल्दी लगा के फिश को छोड़ दो, फ्रिज में रख दो, तो आपकी फिश जो है वो बहुत अच्छी हो जाएगी। अभी हम मसाला अपने हाथों से अच्छे से सारी फिशों में फिश के पीसेस में लगा देंगे, और लगा के इसको एक घंटा रख देंगे हम ताकि ये अच्छे से इसमें मसाले जज्ब हो जाएं, और उसके बाद में हम इसको फ्राई करेंगे तब आपको दिखाएंगे। अब हम यहाँ पर पैन में, ये डीप पैन है हमारा, हम इसमें ऑयल डाल रहे हैं, ऑयल बहुत ज़्यादा नहीं डाल रहे हैं, हमें शैलो फ्राई करना है। आज हमने बिल्कुल लो रखी है, और यहाँ हमने लिया है बेसन, बेसन में थोड़ा सा नमक शामिल करेंगे ताकि जो है हमारा ऊपर का कवर जो है फीका ना लगे, थोड़ा सा नमक हमने चुटकी में डाल दिया इसमें, और अब हम क्या करेंगे कि जो हमारी मैरिनेट की भी फिश है उसको इसमें घुमा के
थोड़ा थोड़ा सा ये लगा देंगे वैसे ताकि वो ड्राई हो जाए मसाला, इस तरह से इस पर लिपट जाए। और अब हम उसको फ्राइंग पैन में इतना फ्राई होने के बाद में हम इसको थोड़ी देर फ्राई होने से एक साइड से फ्राई होने के बाद में पलट देंगे और फिर आपको दिखाते हैं। तो अभी हम इसको पलट रहे हैं। होने के बाद में ये दूसरे बाकी फिश भी डाल देंगे और फिर आप ये फिश हमारी फ्राई हो चुकी है और कम ऑयल में हमने इसको फ्राई किया है। हमारी बकाया फिश भी हम इसी तरह से फ्राई कर देते हैं और फिर आपको डिश आउट करके दिखाते हैं।